जब से बड़े जिम्मेदार जब अली मोहम्मद खान ने उठ के असेंबली में करारदाद पेश की कि जो बच्चों और औरतों के साथ ज्यादती करता है उसे सरेआम टांगों से फांसी दो, तो उसी की पार्टी में और पीपल्स पार्टी में जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की, वो लंडे के किराए के नामर्द किस्म के लिबरल्स और सेकुलर्स, सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं। जब एक बंदा हराम टोपी करता है और उसकी तस्वीर मीडिया पर लगाई जाती है कि ये है हराम टोप आदमी, तो इस तरह के जो उल्लू के पट्टे होते हैं वो उसे आइडियलाइज करते हैं। देखो जी मीडिया से आ रहे हो, बल्ले बल्ले बल्ले, फलाने पिंड के फलाने मोहल्ले का मुंडा नहीं, होए होए हो, उस बच्चे नाल हिंज कीता या औरत नाल हिंज कीता, ओ जी मीडिया से आ गया, तो मीडिया पे आने के लिए ये हराम टोपियां करना शुरू हो जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है पैसे दे दिला के MNA की सिफारिश, ब्यूरोक्रेट की सिफारिश, किसी और अफसर की सिफारिश लेके बाहर दफा हो जाएंगे, प्रेशर आ जाएगा। और सबसे बड़े जिम्मेदार वो गंदी आंटियां जो सड़क पे निकल के कहती हैं इंसाफ दो, और जब ये मुतालबा किया जाता है कि जी इनको सरेआम फांसी दो जो औरत और बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, तो कहती हैं नहीं ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इन घुगुओं को कौन बताए कि भाई जब इस्लाम की सजा, जो इस्लाम ने कानून, जो सजा का कानून मुतारिफ कराया है, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाए ना, तो ये जो ढगे पहले बैठे हुए थे हुकूमतों में, ये इनके स्विस बैंक में अकाउंट्स ना हो। जिना करने वाले का ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के जिसके आगे मैं खुद लेटना चाहती हूं बस फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं। जिना करने वाले को संसार किया जाए ना, पूरे मुल्क से हराम टोपी खत्म हो जाए। ज्यादती करने वाले को सरेआम फांसी दी जाए ना, तो इस मुल्क का बच्चा बच्चियां, इस मुल्क की मां बहन बीवी बेटी महफूज रहेंगे। ये है इस्लाम। लेकिन इस्लाम को फॉलो कब किया, इंप्लीमेंट कब किया तुम लोगों ने? सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ फ्रॉड यह हुआ है कि जिस बेस पे इस्लाम की बेस पे इस मुल्क को बनाया गया, उस इस्लाम को निकालने की कोशिश की जा रही है, उस निजाम को निकालने की कोशिश की जा रही है, तभी जाके वाकियात रूनुमा हो रहे हैं इस मुल्क में। एक खातून जो कि लाहौर मोटरवे से जा रही थी, उनको गाड़ी को रोका गया या गाड़ी खराब हुई, और जो केस अभी सामने आया वो तो यही है कि लोग आए, गाड़ी का शीशा तोड़ा और उनके बच्चों के सामने उस औरत के साथ ज्यादती की गई। इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स आते हैं, मैं नहीं जानता वो खातून कौन थी, क्या करती थी, लेकिन ये केसेस क्यों होते हैं? ये केसेस इसलिए होते हैं कि अंग्रेजी की एक टर्मिनोलॉजी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब वक्त पे इंसाफ नहीं मिलता तो ये कुछ होता है। क्यों? आप भूल गए हैं कि वजीर आजम ने कहा था मैं बाहर मुल्क के दौरे से वापस आके साहिवाल में बच्चों के सामने उसके बाप को शहीद करने वाले पुलिस एहलकार या जो भी सिक्योरिटी एहलकार थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। पहुंचे नहीं। वादे किए गए, लारे लगाए गए, इस कौम को धोखे में रखा गया और कहा गया कि नकीबुल्ला महसूद के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पहुंचाया गया नहीं। नतीजे में क्या हुआ? एक पूरी तहरीक खैबर पख्तूनख्वा में उठ गई, जिसको फॉरेन मीडिया और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स ने मिसयूज करने की कोशिश की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। हम जहां कश्मीर की बात करते वहां वो अपने टाउट्स को बलोचिस्तान इशू की सूरत में या फिर इस इशू की सूरत में लेके सामने आ जाते, हमारे पास काउंटर नैरेटिव भी ना हो, क्योंकि ये जो ढगे बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स इनके पास कुछ है ही नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता हमने खालिस्तान में क्या करना है, तेलंगाना में क्या करना है, आसाम में क्या करना है। इंसाफ, इंसाफ क्या मिला? इंसाफ मिला हाँ, आसिया मलूनों को आउट ऑफ नो वेयर मुल्क से बाहर दफा कर दिया गया। नहीं मिला इंसाफ तो 16 साल जिस पे सियासत की उस आफिया सिद्दीकी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। 2 साल हो गए रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन से, पूछो ना उसके वर्करों कि कौम की बेटी वापस क्यों नहीं आई, उसके नाम को बेचा। तुम लोग क्या समझते हो? औरतों की नंगी नंगी राने दिखाने के बगैर तो तुम लोगों के वो साबुन के और शैंपू के वो इश्तेहार नहीं चलते। नीम बरहना हालत में जब तक तुम औरत को किसी बिल बोर्ड पर ना लगाओ, तुम लोगों के 3G और 4G के एड नहीं चलते। किसी ने सिम बेचनी हो तो औरत को सामने ला रहे हैं, किसी ने कोई दूसरे मोबाइल का मोबाइल कार्ड बेचना हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए औरत को उल्टा लटका के उसका पूरा फिगर सामने किया हुआ होता है। किसी ने प्राइवेट स्कूल में अगर अपने बच्चों को भेजना है तो कई इस तरह के OA levels के स्कूल हैं जिन्होंने बच्चियों के वो सिर्फ फ्रॉक पहनी होती है, नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ होता है, कितनी सी वो अंडरवेयर दी हुई होती है कि जो ड्राइवर बैटमैन या जो बंदा वहां से गुजरा उन्हें लेने आए या लेके जाए, अगर उसमें वो हया का एलिमेंट ना हो या उनका अंकल चाचा मामा कोई आए तो उसके जहन में क्या खलासत जाए।
ये निजाम हम पे इंपोज किया जा रहा है और पूरे मुल्क की इलीट उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और इलीट से ही तो ये सारा स्टेटस बनता है, क्योंकि इलीट क्लास जो करेगी वो नंगी फिरेगी तो हमारी कौम के जितने भी गए गुजरे लोग हैं वो उन्हीं के पीछे नंगे फिरेंगे, वो कपड़े पहनने की कहेंगे नहीं नहीं कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जिसकी बड़ी गाड़ी है जिसके पीछे दो चार गार्ड्स फिर रहे हैं उस उल्लू के पट्टे को ही फॉलो करना है। कोई बंदा बंदे का पुत्र बन के तुम्हें कोई बात समझाना चाहे उसे तो फॉलो नहीं करना इस कौम ने, जहां मदारी जाके बंदर को नचाए उसको फॉलो करोगे, कोई बंदे का पुत्र आके तुम्हारी तरबियत करे तो बोलोगे कि ये तो अपनी सियासत चमकाने आया हुआ है। तो जब तक ये कानून लागू नहीं होंगे, और फिर ऐसे दो टके के अधिकार आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी अर्तगल जो है ये पता नहीं अजीब किस्म का आदमी है या गलत ड्रामे है, तुम लोग जो जनाब जिन 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 गलाजत के किस्म के ड्रामे के सुसर अपनी बहू के साथ जो है इस गलत कार्यों में पड़ा हुआ है ये ड्रामों में दिखाओ, तुम अपने ड्रामों में दिखाओ कि कंदील बलोच तो बड़ी अच्छी खातून थी, वो तो जिस्म फरोशी करती थी अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए, भाई उल्लू के पट्टू ये भी तो दिखा सकते थे कि वो आटा गूंडा करती थी, वो सिलाई मशीन लगाती थी ताकि उससे कमाती और अपने या झाड़ू पोछा मारती और अपने माँ बाप को खिला पिला देती। तुम लोग कौम की बेटियों को क्या सिखा रहे हो कि माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं है तो जाके अपना जिस्म बेच के आओ, क्या आइडियलाइज कराया जा रहा है इस कौम को, सिंड्रेला पढ़ाई जा रही है कि माँ बाप से छुप के शहजादे के साथ भाग गई, या एक चाय के इश्तिहार में यह दिखाया जाता है कि जनाब माँ बाप से छुप के किस तरीके से बॉयफ्रेंड से मिलना और माँ बाप देखते हैं कि जी ये पकड़ी गई बेटी तो मुस्कुरा रहे होते, खैर कोई बेचा कोई बात नहीं तुम्हारी मंगनी करा देते हैं। इन चीजों को आइडियलाइज कराया जा रहा है, किस तरह एक शख्स अपनी बेगम की बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर रहा होता है ड्रामों में सिखाया जा रहा है, और फिर सोशल मीडिया पे हम लोग जब बात करते हैं पाकिस्तान में इस्लामिक आइडियोलॉजी के दफा की हमारे अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है, और नीम भराना हालत में आके औरतें जिनके बाप किसी दौर में जाके वो तवायफों के अड्डे पे जाके तवायफों को नचा के उनके ऊपर वेले डालते थे ना, उनकी औलादें जब आके वो औरतें जो टिकटॉक पे नाच रही होती हैं उन पे तो कभी तुम लोगों ने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला कि ये फहाशी मचा रही हैं। ये निजाम जब तक इस तरह तब्दील नहीं होता, फ्लॉ इस निजाम का है, सरेआम फांसी दो ना, दो हजार को फांसियां दो इस तरह के, इस मुल्क से सारी फहाशी खत्म होगी, इस मुल्क से हर बच्चा हर मासूम बच्ची हर मां बहन बीवी बेटी हर औरत महफूज होगी। लेकिन तुम लोग चाहते नहीं हो कि निजाम तब्दील हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम सब लोगों के काले करतूत हैं, तुम सारे इन एक्टिविटीज में मुलव्वस रहे हो। इस वीडियो को अपने तमाम फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स और पेजेस में शेयर करें ताकि पूरी कौम की आवाज़ बने और पूरी कौम डट के मुकाबला करे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।